यूपी विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका है। मुस्लिम यादव समीकरण को लेकर बैकफुट पर जाने की कोशिश करने वाली समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में दोबारा अपने मुस्लिम यादव समीकरण को बनाने में जुट गई है। विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी चुनाव के मद्देनजर सपा ने 35 सीटों पर आधे से ज्यादा यादव वर्ग के उम्मीदवारों को टिकट दिया है, जबकि गैर यादव बिरादरी को अपेक्षाकृत कम अनुपात में प्रतिनिधित्व मिला है। सपा की सियासी समीकरण का आधार हमेशा ही मुस्लिम यादव फैक्टर रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में सपा इस फॉर्मूले को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही थी और शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में भी टिकट वितरण में सपा ने MY फैक्टर में गैर यादव पिछड़ी जातियों को खासा तवज्जो दी थी। दरअसल सपा की ये रणनीति एक बड़े जनसमूह को अपने पाले में करने की कोशिश थी, क्योंकि ये चुनाव अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर होना है, लिहाजा सपा की रणनीति भी बदली हुई नजर आती है। विधान परिषद के चुनाव में सपा ने अपनी रणनीति बदलते हुए उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा है जिनका क्षेत्र में खासा दबदबा है और पार्टी के पक्ष में वोटों का इजाफा करा सकते हैं। अगर पिछले विधान परिषद चुनाव पर नजर डालिए तो सपा ने 36 सीटें जीती थी, जिसमें अधिकांश प्रत्याशी यादव बिरादरी से ही थे। इस बार के MLC चुनाव में एक खास बात ये भी है देखने को मिल रही है कि सपा ने सूची जारी करते समय यादव बिरादरी के प्रत्याशी के नाम में यादव उपनाम लगाने से परहेज किया है। इस बार MLC के चुनावी मैदान में सपा की तरफ से एक महिला उम्मीदवार भी उतारा गया है।